आज हमारे एक नमाजी ने मुझसे ये मसला पूछा कि मौली साहब, रमज़ान के कज़ा रोज़े और शव्वाल के नफल रोज़े, इनकी नियत एक ही रोज़े में की जा सकती है? यानी रोज़ा तो एक रखें लेकिन काम दोनों हो जाएं, कि कज़ा भी हो जाए और नफल का सवाब भी मिल जाए। देखें, इस बारे में फुकहा ने वाज़े तौर पे लिखा है कि एक ही रोज़े के अंदर ये दोनों नियतें नहीं हो सकती। नफल के अंदर कज़ा की नियत नहीं हो सकती, क्योंकि कज़ा एक किस्म का इसके ऊपर फ़र्ज़ खड़ा है, और फ़र्ज़ जो है वो नफल के अंदर अदा नहीं हो सकता। जैसे कोई आदमी नफल नमाज पढ़ रहा है, उसके पीछे कोई आदमी आके अपनी फ़र्ज़ नमाज या कज़ा नमाज की नियत कर ले तो उसकी अदा नहीं होती। बेआईन ही इसी तरह एक आदमी नफल नियत भी कर ले और कज़ा रोज़े की भी नियत कर ले तो ये दोनों नियतें एक साथ दुरुस्त नहीं हैं। या तो नफल की नियत करें या फिर कज़ाए रमज़ान की नियत करें। इसलिए अगर नफल रोज़े रखने हैं तो उसकी नफल की नियत करें, और कज़ा रोज़े आप जब मर्ज़ी बाद में रख सकते हैं, पहले नवाफिल के रोज़े पूरे कर लें उसके बाद कज़ा के कर लें, या पहले कज़ा के रोज़े रख लें उसके बाद आप नफल के रख लें। लिहाजा इस बात को अच्छी तरह ज़हन में रखें कि एक ही रोज़े में नफल और कज़ाए रमज़ान की नियत हरगिज़ नहीं हो सकती है, एक वक़्त में एक ही अदा होगा।